भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के द्वारा 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर दिए गए बयान पर प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी और खड़गे से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि ये बयान देना भारत की अखंडता और सेना के जवानों के मोराल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि भाजपा ने देश को जोड़ने का काम किया और कांग्रेस ने हमेशा ही देश को बांटने का काम किया है। मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है और अब चीन को लेकर इनका प्रेम जागा है। या अपना चीन प्रेम जाहिर करने के लिए नहीं, ये तो चोट है भारत की अखंडता पर, यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। और मैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से आज पूछना भी चाहता हूं और कुछ तथ्य बताना भी चाहता हूं। 1962 का ये जो भारत चीन युद्ध हुआ, इस युद्ध में करीब 1400 हमारे जो सैनिक थे उन्होंने शहादत दी, आखिरी सांस तक जंग लड़ी तिरंगे के लिए।